देश की ऐसी बवाल कंपनी भाई, जो पूरे देश में तहलका मचा के रखी है भाई, स्वराज 744 FE भाई। इस ट्रैक्टर का 44 आप किसी भी किसान से बोल दोगे तो सिर्फ जुबान पे यही नाम आएगा, स्वराज। ऐसा ट्रैक्टर भाई मुझे नहीं लगता कि दूसरी कंपनियां आज तक 45 से 50 HP की श्रेणी में कोई और कंपनी बना पाई है। दोस्तों ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में इतनी ताकत रखता है कि जो ऐसे ट्रैक्टर नहीं लगा पाते वो ये ट्रैक्टर आपको आसानी से पावर प्रोवाइड करवा देता है। यहाँ पे फ्रंट एक्सल जो है आपकी, आपको बीवल गेयरबॉक्स मिलने वाला है, साथ में ही फ्रंट एक्सल की जो है कि बात मैं कर लूँ तो आपको बीवल गेयरबॉक्स यहाँ मिलेगा, साथ में पूरा सील्ड फ्रंट एक्सल मिलने वाला है। आप पडलिंग वगैरह में बेझिझक ट्रैक्टर चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई, ये गारंटी स्वराज आपको प्रोवाइड करती है। और ये इस नाम का भरोसा आपको, आपको क्या आपकी कई पीढ़ियों को होगा इस स्वराज कंपनी के साथ। और यहाँ पे डुअल बाथ वाला स्टेज वाला आपको यहाँ पे एयर फिल्टर मिलने वाला है, 3 सिलेंडर का माइक्रो वॉश इनलाइन पंप का दमदार इंजन मिलने वाला है, जिसमें कि आपको शानदार पावर मिलने वाली है। और पहले तो 2 व्हील में आता था, अब 4 व्हील में आ गया, पहले ही बहुत ज़्यादा पावर लगाता था। यहाँ पे आपको रबराइज लोगो मिल जाता है, सिंस 1994, सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा के साथ। भाइयों ये ट्रैक्टर अपनी लुक को अब चेंज करने वाला है, इसके जो नया लुक है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे, जैसे ही यहाँ ट्रैक्टर प्रोवाइड होगा आपको सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो सब्सक्राइब का बटन है उसके बाजू में जो घंटे की बटन लगा हुआ है उसको ज़रूर चालू कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको यहाँ हमारी तरफ से मिले। और यहाँ पे आपको कंपनी पहले क्या करती थी भाई, एक छोटा सा सुधार किया है इसके अंदर, जो बेयरिंग होता था दोस्तों वो बेयरिंग क्या था, सूखा चलता था कई बार, तो उसमें बदलने की बार बार झंझट थी, तो कंपनी ने उसको भी ऑयल प्रोवाइड कर दिया ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग का यहाँ पे पंप मिल जाता है, यहाँ पे आपका लिफ्ट का पंप मिल जाता है। ऐसे भाई आपको अगर गेयरबॉक्स की बात कर लूँ तो 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, हाई और लो का गेयरबॉक्स, और यहाँ पे जो सादा आपको यहाँ पे एनालॉग वाला मीटर मिलता था। ट्रैक्टर की कलर एंड फिनिशिंग की बात कर लूँ तो बहुत शानदार कलर एंड फिनिश है, 48 से 49 HP का ट्रैक्टर है लगभग का। यहाँ पे अगर टायरों की बात कर लूँ तो आपको 9/5/20 के फ्रंट टायर्स मिलते हैं, साथ में ही अगर पिछले टायर्स की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे 14/28 के पिछले टायर्स मिलते हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 1800 से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, और PTO में आपको 550 और 750 RPM यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान।